अभी पुलिस वुलिस पकड़ लेती मेरे को। एंड एक और प्रॉब्लम आ गई है, ये आलू बड़े किनारे होते हैं ना। तो भाइयों बहनों, ये हमारी सिक्स्थ फ्लाइट थी जब से हम ट्रिप पे आए हैं। ये आपस में इशारे कर रहे हैं, एक दूसरे को घड़ी दिखा रहे हैं। ये देखो जी, क्या मिठाई खाओगे बताओ, पंजाब की मिठाई। साधु ने उसको जप्पी पा के ख्याल कैसे रख रहे हैं। कैश अब खत्म करना ही है, एक दिन रह गया तो मैं ही अपने हाथ से खत्म कर दूं, जा बैठ रहे। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। देख लो जी, अमृतसर सिटी गुरु की नगरी, अमृतसर सिटी गुरु की नगरी से गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज हम गुरु की नगरी को अलविदा कह के जा रहे हैं वापस दिल्ली। फ्लाइट है दोपहर 3:30 बजे की, अभी समय हुआ है 9:30। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट के बाद शॉपिंग करनी है इन्होंने। शॉपिंग अमृतसर की शॉपिंग करके इसमें बेटा सूट लेने हैं। गोइंग डाउन 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 सेकंड। एक्चुअली होटल में इतने लोग मिलने आए हैं और इतनी बारी हमने सिर्फ रेस्टोरेंट्स वगैरह मंगाई है ना, हम आते हैं वो कहते हैं आपका रूम नंबर बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है। वो कहती है थोड़ा रूम नंबर दसन की लोड़ नहीं, सानू पता है। आज के नाश्ते में सब कुछ ही खा लिया, मतलब मेरा मेरे को लालच आया था ना बंदे को कि अब जा रहे हो फिर पता नहीं कब आना हो, जैसे मन्नू बोलता है फिर पता नहीं कब आना हो, पेट भर गया नियत दिल नहीं भरा, नियत नहीं भर रही। तो गोभी का पराठा आ गया, आरिया देखो पूरी छोले खा रही है, आरिया को ना क्या नहीं खाया, मीठी लस्सी पी जा रही है, परांठे खाई जा रही है, वहाँ पे जाके रोएंगे जब पेट भरा होगा, बट इट्स ओके, दैट्स ओके, 4 दिन में बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, गार्डनिंग करेंगे दबा के, अभी रेकिंग कर रही है जाके, रेकिंग भी तो करनी है। आया करेगी रेकिंग, रेकर तो अब तो है हमारे पास, बस मशीन चलाएंगे जल्दी। हाँ जी, सामान बाहर आ गया, इसका मतलब ये है कि एक और पड़ाव खत्म हो गया है। जैसे जैसे पड़ाव खत्म हो रहे हैं ना, फासले और कम हो रहे हैं, घर से पास हम हो रहे हैं, घर जाने का टाइम आ रहा है। आज है फ्राइडे, संडे को हमने घर पहुंच जाना अपने, सो आज 2 दिन रह गए हैं। आज फ्राइडे नाइट हम बिताएंगे दिल्ली में, कल सैटरडे इवनिंग में हमारी फ्लाइट है एंड वी आर गोना गो। चलने की तैयारी हो गई है सारी। आया कह रही है मैं सारा क्या करता हूँ, मैं जो है जब मैं मैरियट में जाता हूँ ना, मैं कॉम्स जो वो बोलते हैं मैं रख देता हूँ। हाँ। रख लेता हूँ क्योंकि कभी कभी दो चीज होती है, कलेक्ट कर लेता है, तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अलविदा अलविदा, सामान जा रहा है, हम भी जा रहे हैं बाय बाय करके मैरियट को, बड़े टाइम से रेडी हैं हम। थैंक यू, हमने जाना था बाजार बुजुर्ग जैसे कि आपको पता है नाश्ते के बाद, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं दिल्ली जाके जाएंगे। क्यों मम्मी? तो पापा ने बोला, पापा ने आदेश दिया, हाँ पापा ने आदेश दिया कि यहाँ पे जाना टाइम वेस्ट है, आने जाने में लगे रहोगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं दिल्ली आके जाएंगे एक ही बार, अब टाइम से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे एंड देन वी गो चेक इन एंड अभी ऊबर उड़ानी है, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, तो इसी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो वी जस्ट गो, हाँ थैंक्स टू मैरियट फॉर वंडरफुल स्टे। अब जा रहे हैं आज इसको चेकआउट करने, नॉट टू, ब्रेकफास्ट हो गया, सो अब इसको करें चेकआउट एंड पेमेंट करें एंड निकलें। अभी बहुत टाइम है, हम बड़े टाइम से हैं, अभी 12 बजे हैं, फ्लाइट है 3:30 बजे की, 3:40 की, और एयरपोर्ट तो यहाँ पे 15 मिनट में ही आ जाता है। हम दोनों प्योती बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ी की वेट कर रहे हैं, गाड़ी बुला ली है इनोवा और एयरपोर्ट जाना है, सारे पूरे नहीं आए तो फटाफट दूसरी गाड़ी बुला लेंगे। वैसे हमारे पास सिर्फ 2 छोटे और 2 बड़े सूटकेस ही हैं, तो वेट वाइज वी आर वेरी गुड एंड ऑल्सो वी आर वेरी गुड इन टाइम। 12 बजे हैं अभी, 3:30 बजे की फ्लाइट है, आई एम वेरी हैप्पी। चलो जी, टाइम टू से गुड बाय, सामान रखा जा रहा है, नाउ जस्ट गोइंग टू एयरपोर्ट एंड जल्दी जल्दी निकलें। ओके
15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गया, मजा ही आ गया। और सब चल रहे हैं रविंदर सिंह जी के फर्स्ट क्लास, गुरु रामदास जी। एयरपोर्ट का नाम ही श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है, क्यों नहीं आजी? हाँ, बैगेज स्क्रीनिंग की वेट कर रहे हैं। हाय, मैं ले रहा था। हाँ, तो जस जी खाने पीने को ले आए हैं, सब कुछ हो गया। मैं कॉफी ला रहा हूँ, तो एक केक नजर आ गया, टूटी फ्रूटी। हाँ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हाँ, क्यों? तो लेकिन क्रेडिट कार्ड चल ही नहीं रहा इस पे। यूपीआई करो जस जी। यूपीआई भी नहीं चल रहा, कुछ ओनली कैश। चलो कोई नहीं, कैश हैगा सी, फिर वो बात लिया। फिर कैश अब खत्म करना ही है, एक दिन रह गया तो मैं ही अपने हाथ से खत्म कर दूं, ज्यादा बेटर है। नहीं नहीं, हमें मौका दो आप, हमें मौका दीजिए। मैंने इमली वाली गोलियां दी हैं जो उन्होंने दी थी नवजोत जी ने। उनका डब्बा अभी बंद पड़ा है जो, हाँ, एपी जी ने जो दिए थे। तो भाई बहनों, अभी ना हम यहाँ खड़े हैं और हम देख रहे हैं नीचे वो कोने पे, वहाँ वो ड्यूटी फ्री था, वहाँ पे वीडियो छोड़ो, ये सामने ड्यूटी फ्री था। ये बच्ची कहती है अच्छा वो मम्मा ने देखा नहीं, ये बहुत शैतान बच्चा है आपको पता ही है। चले जी, टाइम हो गया दोस्तों, बाय बाय, बोर्डिंग का टाइम हो गया एंड चल पड़े हैं हम अपने गेट की तरफ, अपने गांव। वो देख लो, गांव तो कल जाना नहीं, हाँ आज तो फिर भी झोला उठा के चल देंगे आज, लेकिन गांव नहीं। आज हम जा रहे हैं पहले दिल्ली शहर, कल गांव सैस्कटून। सैस्कटून गांव है ना, सुकून का गांव है। हाँ, अपने घर की नजर आए थे, क्या अपने पिंड है, हमारे पिंड जा रहे हैं वापस, लोग पिंड जाते हैं। केड़े पिंड है अपना, लोग ही पूछ देना। सुकून सैस्कटून में है, बस सैस्कटून जैसी जगह नहीं है। और हमारी छोटी सी कुटिया, हाँ हमारी, अपने आराम से अपना, बहुत बहुत सुकून है, बहुत आराम है। मम्मी पता लग जाता है जब भीड़ भड़कते वाले बड़े शहरों में से आओ ना। आहो, नहीं नेहा, जब हम इकट्ठे घूमने जाते हैं ना वो अलग एंजॉयमेंट होती है, ये अलग 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 में कुछ हमेशा तान लगी रहती है एक दूसरे की। कोई स्वाद, चलो फिर यहाँ से भी दिलाओ तो सर। क्या खाओगे? नहीं नहीं कुछ नहीं खाना है। गेट नंबर 3 का है, यही तो है, और नंबर 3 आई है, आ जाओ फिर। आइया कहती है मैं जा रही हूँ डैडा के साथ घूमने, और ना मेरे ब्राउनी का ख्याल रखना, थे दादू ने उसको जप्पी पा के, ख्याल कैसे रख रहे हैं दादू, छोड़ेंगे ही नहीं भैया दादू के होते हुए घूम नहीं सकता ब्राउनी। आया पुत्र, चले घूम के आते हैं थोड़ा। यहाँ तो खाने पीने का सारा जुगाड़ है, बालाजी ठीक है, बार फ्लाई, कॉस्टा कॉफी, KFC तो नीचे भी था, बंसल स्वीट्स है, तो क्या क्या है देख लो खाने पीने का सारे। चलो आ जा घूमते हैं। हाँ, ना ये बच्ची ना वीडियो नहीं बनाने देती। ओ पूरी छोले, कुलचे छोले, पूरी छोले, आलू पराठा, छोले भटूरे, लस्सी, बिरयानी। ओके 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 ओके। ये देखो जी क्या मिठाई खाओगे बताओ, पंजाब की मिठाई। देख हम तो बस देख के ही दिल भर लेते हैं, खाते नहीं है मिठाई, मिठाई खाने से वजन बढ़ जाता है। और ये है कन्फेक्शनरी, ये मेरे को बड़ा तंग करती है। वैसे इस ट्रिप पे ना, हाँ ये बता दे सबको, इस ट्रिप पे तेरा मेरा बॉन्ड कितना और स्ट्रांग हो गया, पूरा टाइम ये मेरे साथ ही, क्योंकि ना मम्मा बिजी थी दादी साथ शॉपिंग कराने में, और आई, हाँ और आई और डैडा ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा है ना, बहुत इंजॉय करा है। ये मेरे को बड़ा तंग करती है नेहा जी, तो पता नहीं फ़ोन में क्या कर रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इधर ये गाना आ रहा है, वो जो इलेक्शन का गाना चला दिया उन्होंने बड़ी तेज, मैं भारत हूँ, ये कहती है इतना टू लाउड है। ये नेहा जी प्राउड महसूस कर रही हैं, गाना चल रहा है भारत का। विस्तारा की फ्लाइट UK 692 फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली इज रेडी फॉर बोर्डिंग एंड जसमीत सिंह एंड फैमिली इज ऑलरेडी चेक्ड इन, नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स बोर्डिंग। ये देखिए सामने विस्तारा का जहाज खड़ा है, दिल्ली जाने के लिए हम तैयार हैं और ये जहाज भी तैयार है। चलो जी, हाँ क्या कह रही है? मम्मी से थैला लिया, मैंने कहा अपनी एनर्जी सेव करके रखा करो मेरे साथ शॉपिंग कराने को, ये सब चीजें मुझे दिया करो। ये वाकई मम्मी ने पूरा रुख बदल दिया, कहाँ हमने जाना था गाड़ी से, सड़क से, रोड ट्रिप को बदल दिया ये ट्रिप में। तो क्या करें, वो थक गए थे बच्चे, गर्मी कितनी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और ना बच्ची भी थकी हुई थी, मम्मी पापा भी बेचारे कुछ कह नहीं रहे थे, चलो उनका वो लग रहा था कि हमारा मन है रोड ट्रिप करने का, लेकिन मेरे को था कि यार बच्ची तंग नहीं होनी चाहिए और मम्मी पापा भी तंग नहीं होने चाहिए, तो मैंने टैक्सी में बैठे बैठे सीधा बुकिंग करी, मैंने कहा चलो एक घंटे में दिल्ली। हाँ वो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम।
फ्लाइट डिले है भाई साहब, मेरे को लग रहा है फ्लाइट डिले है। ये लोग ये आपस में इशारे कर रहे हैं, एक दूसरे को घड़ी दिखा रहे हैं। दो बंदे जो खड़े हैं ना, एक सामने खड़ा है एक पीछे खड़ा है, कह रहा है मतलब उसको घड़ी दिखा रहा है, लेट हो रहा ना काम। थैंक यू। देवी और सजनों, दिल्ली में आपका स्वागत है। और दिल्ली में धूप नहीं है, लगता है वेदर अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ एक रात में यही बिता लेता, यहीं से चले जाते कल घर। तो सुबह मेरा मेरे टैची, काम है। मेरे टैची ले आओ यहीं पे, तुम बिताओ टैची पहले पैक करो चलते। ये ना यार अभी फिर से शॉपिंग करवाएंगे हमारा, हम बहुत दूर आ गए तो हमारे को चीज लेनी पड़ेगी। नहीं बग्गी लेनी, चलो जी बग्गी में बैठेंगे चलो। तो भाइयों बहनों, ये हमारी सिक्स फ्लाइट थी जब से हम ट्रिप पे आए हैं, क्योंकि दिल्ली से टोरंटो, सैस्केटून से टोरंटो, टोरंटो से दिल्ली, दिल्ली से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से पुणे, पुणे से दिल्ली, एंड देन अमृतसर से दिल्ली। छह फ्लाइट होगी, दो और रह गई फिर काम खत्म, जो कि है दिल्ली से टोरंटो एंड टोरंटो टू सैस्केटून। प्लस रोड ट्रिप्स भूल रहे हो, रोड ट्रिप भूल रहे हो, वो सब भूल जाओ ना, मैं फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। सो एक मैं बंदा था जब मैं एक जमाने में मैं किसी भी फ्लाइट में कभी बैठा ही नहीं था, और आज रब्दा ऐसा जो है चमत्कार है कि मैं फ्लाइट में पहले फ्लाइट में बैठता था रोता था, मेरे को कुछ कान बंद, सर दर्द, बुरा हाल होता था। अब फर्क ही नहीं पड़ता, अब मैं ऐसे चढ़ता हूँ और ऐसे उतरता हूँ जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये ना नेहा ने सारे, ये सारा जो है ना ये माया नेहा की है। पंडित जी ने बोला पत्नी का लग के, पंडित जी ने आजकल बोला कि, और पंडित जी हाथ देखे कहते हैं आपको तो विदेश में होना चाहिए, उनको हमने बोला नहीं। वैसे अगर सोच रहे हो कौन से पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमने हवेली दिखाई थी, वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, वो जो पाम रीडिंग कर रहे थे, तो उनसे जस ने और आर्या ने अपना हाथ दिखवाया था, उन्होंने बड़े पते पते की बातें बताई सच बात वाली, और जो करंट चल रहा है, तो हम बड़े इम्प्रेस हो गए, उसी पंडित जी के बारे में बात हो गई। तो वो एक्चुअली कह रहे थे उपाय वगैरह, लेकिन उपाय हमने कुछ करना नहीं था, टाइम पास करने चले गए थे, बट बातें सही बताई थी। सबसे पहले लगेज आ गया भाई साहब, पापा ने भाग के ऐसे उठाया, मैं दोबारा आ जाता, अरे मैं चुक रहा। तो गाड़ी को आने में है टाइम, और मौके पे चौका आई है, कहती है मैंने सब्वे खाना है इसको, यहाँ का सब्वे बड़ा, मैंने इसको बोला खा ले सब्वे, क्योंकि ना इसको सब्वे स्वाद लगा है यहाँ का, और जाने में इसको लग जाएगी भूख, तो सब्वे खा लेगी तो बढ़िया रहेगा। क्यों? गरम गरम ब्रेड है, क्योंकि हमने गरम करवाई है। इस बारी कोई ऐसी वैरायटी रह नहीं गई जो नहीं खाई, अभी नेज लेंगे ब्रेड पकौड़ा, अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने मसा ही मुकाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, स्वाद नहीं आया, अच्छा नहीं था ये, पंजाबी ब्रेड पकौड़ा नहीं था ये। वो तुम्हारा कोई पर्सनल ग्रज है इसलिए अच्छा नहीं था, इतना भी माड़ा नहीं था। नहीं पंजाबी नहीं था ये, एक पंजाबी करारा होता है थोड़ा, है ना, आलू का टेस्ट भी अलग होता है, ये पंजाबी नहीं था ये, आलू बड़े करारे होते हैं। वाकई मम्मी सही बोला ये भाई साहब, अभी कांड हो जाना था, मैं वो उठाया ये, मेरे को पता ही नहीं चला, मम्मी और नेहा दोनों काट ले गई है सामने, और मैं अपना उठाया वो किसी और का काट लेके चल पड़ा मैं, अभी पुलिस पकड़ लेती मेरे को मैं अरे वो दे काट भी ग्रेट अच्छी सी, मैं कहा लेकिन बैग किधर यार, नहीं है जी ऊपर खड़ी है। भाइयों बहनों, इतनी बुरी हालत होगी, कल रात आपने आखिरी देखा था, हम दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पहुंच के हमने कैब में बैठे, और हम कैब में बैठे ही रह गए, आप ये सोच लो 3 घंटे लग गए रोहिणी पहुंचने में, 3 घंटे बाद रोहिणी पहुंचे, खाना खाया, और मामा जी के वहां पे हमारी ना खाना खा के वहां पे हमारे सूटकेस पड़े थे, वो लेके होटल आ गए, और होटल पे आके अब हमने सारी पैकिंग आज सवेरे करी, और हालत बहुत ख़राब हो गई, मतलब ट्रैफिक में कल इतना बुरा हाल हुआ, ना वीडियो शूट करी ना कुछ करा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें बिना मत जाना, एंड एक और प्रॉब्लम आ गई है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज रात को हमारी फ्लाइट है, वापस जा रहे हैं कैनेडा, तो जो प्रॉब्लम आई है उसकी डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपसे करते हैं। थैंक यू।